नमस्कार, मैं हूं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। मुरादाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या देखते हुए मुरादाबाद प्रशासन ने मुरादाबाद के कई एरियों को हॉटस्पॉट घोषित किया था। वक्त बीतने के बाद जो मियाद थी वो पूरी होने के बाद मुरादाबाद में कई एरिए ऐसे थे जिन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी। बावजूद उसके मुरादाबाद में कई रास्ते ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। आम जनता को इससे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद में कुछ महिलाओं को भी सामना करना पड़ रहा है उस समस्या का, पुरुष भी उसमें आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी जो ज़रूरी सामान के लेने के लिए घर से निकलते हैं, या फिर ये कहिए कि जो एम्बुलेंस ज़रूरी सुविधा है उस वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मुरादाबाद के सुबोध कुमार मंडी चौक के रहने वाले की भी यही शिकायत है। कल वो अपने बच्चे को डॉक्टर पुष्पेंद्र के दिखाने गए थे, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ा। उन्होंने मुरादाबाद प्रशासन गुहार लगाई है तो कहीं ना कहीं इस समस्या का वो समाधान कराएं। देखिए मुरादाबाद से मेरी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आने के बाद लॉकडाउन 4 के नियम आने में जहां आम जनता को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं ग्रीन जोन घोषित किए गए कई क्षेत्रों में रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। लोग परेशान हैं, इमरजेंसी में अगर वो कहीं जाना चाहें या क्षेत्र में एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो आप समझ लीजिए कि एम्बुलेंस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कई इलाके रास्ते तो ऐसे हैं जिनमें रास्ता बनकर तार की बुनाई कर दी गई हो, मानो छोटा बच्चा भी उसमें ना निकल सके। मंडीवास निवासी सुबोध अग्रवाल का कहना है कि रास्ते बंद होने से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एरिया ग्रीन जोन है, बावजूद उसके रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। प्रशासन को चाहिए कि रास्ते को खुलवाए ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये ग्रीन जोन हो गया तो इसको क्यों नहीं हटा जा रहा अभी? बिल्कुल सब परेशान हो रही है, पैदल जाने की भी समस्या है, स्कूटर मोटरसाइकिल की समस्या है। अब जैसे मंडी चौक खुला हुआ है, ये पीछे का एरिया खुलवा है, कूड़े वाली गली खुली हुई है, तो ये भी तो हटना चाहिए ना। गैस वालों को समस्या हो रही है, फल वालों को समस्या हो रही है, हमें भी समस्या हो रही है, झुक कर निकलना पड़ रहा है इसके अंदर। ईद का टाइम है वैसे भी, तो इसको तो हटना चाहिए ना। अब मरीज को लेके जा रहे हैं तो हम कहाँ से कैसे लेके जा। मैं कल मैं बच्चों को लेके था तो यहाँ से बच्चों को पहले यहाँ से बाहर खड़ा, उसके बाद गोदी उठाया, तो फिर डॉक्टर पुष्पेंद्र के दिखाने लेके गया बच्चों को गोदी में। कल ही की बात है, अभी भी पड़ से मरीज। मैं ये बस यही कहना चाहेंगे कि इसको हटाया जाए, ग्रीन जोन वाले एरियो को तो कम से कम ये हटाना चाहिए इनको, इन लोगों को। लोगों को निकलने की बहुत दिक्कत हो रही है, पैदल का रास्ता भी नहीं छोड़ा इन्होंने, देख लो आप, लोग कितनी परेशानी से निकल रहे हैं यहाँ पर। ये पुलिस ने बंद किया है यहाँ पर, जानबूझ के बंद कर रखा लोगों को परेशान करने के लिए।